हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप सभी को स्वागत है मेरा और एक नए ब्लॉग पे। और सुबह हो गया है, आज उठे हैं सुबह के 4 बजे। 4 बजे से अपना काम कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगाए हैं। उस टाइम पे बहुत अंधेरा था तो शूट नहीं किया है। अभी है 5:30 बजे का व्यू। अभी भी घर पर सब सो रहे हैं। तो अभी हम हैं किचन पे। वहाँ हस्बैंड उठ के थोड़ा सा व्यू लिए थे क्योंकि हम सुबह से उठ के बहुत ही बिजी थे। सुबह जब 6:30 बजे वो जाएंगे, उनको नाश्ता देना है, टिफ़िन मतलब नाश्ता करेंगे फिर लेके भी जाएंगे टिफ़िन, तो थोड़ा बहुत बिजी हो जाते हैं। और वो पूछ रहे थे कि हम कितने बजे उठे हैं, तो हम उनको बता रहे हैं। अभी आटा सानने नहीं हो रहा, बहुत टाइम कितना टाइम हो गया अभी? ठीक है, आप करो, हम भी चले, थोड़ा आप फ्रेश होने। ठीक है, अब क्या बन रहा है? हस्बैंड जी तो चले गए हैं काम पे। वो जाने के बाद फिर हमने क्या किया कि किचन का क्लीनिंग कर लिया, मतलब झाड़ू लगा दिया। उसके बाद हमने बर्तन भी धो लिया है। सारा बर्तन यहाँ पे रख देंगे सूखने के लिए। अंदर में रखते हैं तो वही पानी जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, वो नीचे गिरता है, तो क्या होता है कि मिट्टी का घर है ना, थोड़ा कादो जैसा हो जाता है, तो बाहर ही सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद देखो कितना अच्छा खासा धूप निकला, बस आसमान देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना। तो कल शाम में हम जो कपड़े वगैरह धोए थे ना, मेरा और किट्टू का, तो उस थोड़ा गीला गीला रह गया था, सूखा नहीं था। फैन में दिए थे तो भी नहीं सूखा था, तो वो धूप में दे देते हैं अच्छे तरीके से सूख जाएगा। फैन का सूखा हुआ में ना थोड़ा स्मेल रह जाता है, और धूप का सूखा हुआ एकदम अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है। तो धूप में दे दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कच्चा है वो भी सूख जाएगा। और फिर चलेंगे आज भी कपड़ा धोने के लिए, दिखाएंगे आप लोगों को आज कितना सारा कपड़ा है। कल मार्केट गए थे, वो भी बहुत सारा हो गया था। और गोली आई मम्मी के पास कि राशन दे रहा है, हमने ही मना कर दिया कि रहने दीजिए, अकेले ला नहीं पाइएगा, जब ये आपके बेटे रहेंगे तब लेते आएंगे, मतलब कल। फिर हम चल रहे हैं बाथरूम में पानी उठाने के लिए। हमारे घर पे ना बाथरूम में कोई टैंकी वगैरह नहीं है, ट्यूबवेल से ही हाथ से बह के उठा के ले जाना पड़ता है। और जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन तो 30-40 बाल्टी उठाना हो ही जाता है। चलिए अब दिखाते हैं कि आज कितने सारे कपड़े हैं। इतने सारे हैं आज के कपड़े, बहुत सारे हैं ना, तो इसको धो लेंगे। और किट्टू अभी तक सोया हुआ है, मम्मी बाहर है, तो इस बीच धो लेते हैं जल्दी से। कपड़े सब तो धो के डाल दिए। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा कपड़े का कलर इस पे थोड़ा सा लग गया, पिंक कलर इसमें का, और कल ये पहन के गए थे। जब पहली बार इसको हम पहन के आए थे ना ससुराल पे, तो सब ने बोले थे कि वाइट कलर का साड़ी बहू पहनेगी, बूढ़ी बूढ़ी लगती है, मतलब बुढ़ी बुढ़ी सी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो अभी बहुत जोर का लगा है भूख, चलेंगे पहले नाश्ता कर लेते। अभी बहुत सारा काम पड़ा है, पता है मुझे गैस पोछना है और नहाना भी है। और आज खाने में है, रोटी तो बना है पर मेरे लिए है ये पानी डाला हुआ भात और सब्जी। तो पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं। गैस भी हम पोछ ले रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि दोपहर का खाना ही बनाना है। और ऊपर से है कि किट्टू उठ गया है तो उसको भी खिलाना है मुझे, तो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था किचन का, वो करने के बाद फिर चलेंगे किट्टू के काम पे। तो किचन का क्लीनिंग पूरी तरह हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा दिया गया है, लक्ष्मण रेखा, चींटी जो नहीं आता है उसकी वजह से, चींटी बहुत ज़्यादा आता था। और देखो सब्जी शायद मम्मी ला के रखी है क्या, पता नहीं। किट्टू उठ गया है, सोचे थे कि नहा लेंगे पर घर पे कोई नहीं है। हम कपड़े धो के घर से निकले तक घर पे कोई नहीं था, किट्टू अकेला सोया हुआ था। मतलब इस टाइम पे अगर उठ जाता तो मुझे कपड़े छोड़ के आना पड़ता। हाँ बेटू, सुबह सुबह बलून लेके बैठा है, ब्रश भी नहीं किया है, और अभी बिस्तर झाड़ लिए हैं, फिर बिस्तर करेंगे थोड़ी देर में। चलो ब्रश करो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। क्लीन, हमेशा आपका सो के उठने के बाद ब्रश मुट्ठी क्लीन ही रहता है ना। अच्छा गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं बोलोगे? चलो चलो चलो, किट्टू ब्रश नहीं कर रहा था, सब क्लैप क्लैप करके उत्साहित करके लास्ट में ब्रश कर लिया। ब्रश करने में फिर उसको मिल रहा है क्लैपिंग क्लैपिंग, सब क्लैप कर रहा है। सुबह सुबह उठ के पहले खिलौना अपना बिखार लिया है, उसके बाद चलेगा खाने के लिए। किट्टू को खिलाने के बाद हमने भात भी बना लिया है दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह में जो सब्जी था ना, बाकी हम कुछ नहीं बनाए, मतलब वो था जो हो गया दोपहर में, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस भात बना था तो बना लिया है। किट्टू को नहा भी दिया है, ये वाला तेल लगा भी दिया है, और बिस्तर वगैरह भी कर लिए हैं। तो घर का और किचन का सारा काम हो गया है कम्प्लीट। अब ये टॉर्च को देना है मुझे
चार्ज पे। और इसको किट्टू को जल्दी जल्दी खिलाना है, रो रहा है खाने के वजह से, भूख लगा है। खिला के किट्टू को सुलाते सुलाते नाच हम भी सो गए थे। उसके बाद उठे हैं, फिर नहाए हैं, फिर खाए हैं, तब थोड़ा रेडी सिटी में। रेडी सिटी के असर पर तेल लगाए हैं क्योंकि कल शैम्पू करना है। तेल लगा के रखने से थोड़ा बहुत मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम होगा। तो कल गाज लेके आए थे गांधा फूल का, मैरी गोल्ड, ये दोनों। इसको अभी लगाएंगे वहाँ पे गड्ढा करके, फ़ोन को कर देते हैं स्टैंड, उसके बाद लगाएंगे वहाँ पे। नहीं लगाएंगे तो फिर कल मुझे डांट पड़ेगा क्योंकि हम जीत करके लिए हैं। उधर साइड से आ रहे थे तो कितना धुंधला लग रहा है, इधर साइड कितना प्यारा लग रहा है ना, बैकग्राउंड भी और शक्ल भी। चलो लगाते हैं, खुरपी निकालते हैं, स्टैंड निकालते हैं, फिर लगाते हैं। किट्टू भी उठ गया है, उठ गए हो, हाथ दिखाओ, मेहंदी लगाए हो, वो हाथ देखो। आंटी इसका मेहंदी लगा दी थी आज दोपहर में, जाके बैठी थी, कलर हो गया, तुरंत उठा दिया था, कलर हो गया है। चलो उठो, मम्मा गाज लगाएगी, देखोगे, आ जाओ। देखो फिर से सो रहा है, यहाँ पे देखो मशरूम फिर से उग रहा है, एक दो दिन में खाने लायक हो जाएगा। फ़ोन को हम यहाँ पे कर देते हैं स्टैंड। यहाँ पे लगाएंगे गेंदा का फूल, गांधा फूल बंगाली में, इंग्लिश में मैरी गोल्ड। और हम जब गए थे ना लाने के लिए, वहाँ पे हम बोल रहे थे गांधा का चारा का कितने पैसा, मतलब कितने देते हैं, रेट पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ना हम जब मार्केट जाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम किसी को कुछ पूछते हैं किसी के बारे में, कि कोई सामान के बारे में, तो दुकानदारे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हम पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज होता ना कुछ डिफरेंट है बिहार के तरीके से। तो देखो दोनों गाछी हमने यहीं पर लगा दिए हैं और पानी भी ऊपर से छिड़क दिए। फूल के पौधे के साथ साथ हमने सेम का बीज भी डाल दिया है, क्या पता देखते हैं, कल जो लेके आए थे सेम का बीज, वो देखते हैं होता है कि नहीं। और किसी का फ़ोन भी आ रहा है, फ़ोन भी उठाते हैं। और अभी भाजेंगे चिप्स, किट्टू सो के उठ गया है पर निकल ही नहीं रहा, मम्मी चिप्स लाई है तो भाजेंगे चिप्स। फोपी बोलते हैं यहाँ, फोपी ये है यहाँ का फोपी, और हमारे उधर इसको चोगा बोलते हैं। फ्राई होने के बाद लंबा लंबा सा हो जाता है, तो जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें लकड़ी में खाना बनता है, उसके बाद उस पर जो फू फू करके, मतलब फूक के जो आग जलाया जाता है ना, लंबा सा लोहे का रहता है, उसको हम लोग चोगा बोलते हैं। और ये चोगा की तरह दिखता है, तो इसको हमारे उधर ना चोगा बोलते हैं। और इतना कलरफुल है, कितना मस्त लग रहा है ना, आप लोग इसे क्या बोलते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को ये खाने में कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि किट्टू के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ये ना धूप में देने के बाद और भी अच्छे से फ्राई होता है। तो इसको कल अगर धूप निकलेगा तो इसको धूप में देंगे, उसके बाद फिर सारा को फ्राई करके डब्बा में भर देंगे। देखते हैं किट्टू खाता है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किट्टू नहीं खाया तो सारा तो हम ही चपाचट कर देंगे। और कितने प्यारे लग रहे हैं, इसका सबसे अच्छा लगता है कलर मुझे। सारा एक देवर आया था, नाम है झामू। हम लोग उसी को झामू बुलाते हैं, अभी आया था तो इसलिए ना आज मेरा लेट हो गया। और गोली इस पे उठा दो, तो गोली आई हुई है। गोली को ना आज हम गए थे घर पे बुलाने, गोली उस टाइम पे बैठी हुई थी खटिया भी, इसी से तो खटिया है, और खटिया पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और हम भी सोच रहे हैं गोली ठंडी में खटिया लेंगे एक, और आंगन में करके जैसे धूप रहेगा ना, तो बाहर क्या करेंगे हम लोग, बैठेंगे आप पिया के बैठना। तो आज बनाएगा, आज हम क्या बनाएंगे आपको दिखाते हैं, रात का खाना। दोपहर में तो कुछ नहीं दिखाए हैं, सुबह में भी नहीं दिखाए, हाँ सुबह में दिखाते हैं, दोपहर में कुछ बनाया ही नहीं तो क्या दिखाते हैं, चलो दिखाते हैं। बनाएंगे भिंडी का भुजिया, आज फिर से भिंडी का भुजिया, भिंडिया का भुजिया हमारे घर पे सारे को पसंद है। और मिर्ची देखो, हमने ना 15 पीस मिर्ची डाला है, मतलब आज तो ज़बरदस्त तीखा होने वाला है। तो यहाँ पे दूध एक गर्म कर लिया है, एक गर्म हो रहा है अभी, उसके बाद चढ़ाएंगे। दादी को दिखा रहे हो ड्राइंग करके, किट्टू दादी को ड्राइंग करके दिखा रहे हो, ड्राइंग दिखा रहे हो, अच्छा दिखा तो। वाओ क्या क्या ड्राइंग किए हो, किट्टू ड्राइंग कर लिया, अच्छा। भिंडी में आज हम दिए हैं 15-20 हरी मिर्च, और हरी मिर्च इस बार का बहुत ज़्यादा तीखा भी है, सबको झाल झाल अच्छा भी लगता है। और अब तो यहाँ आके मुझे झाल का आदत भी लग गया है, तो इसमें ना बहुत सारा प्याज देते हैं, क्योंकि होता है कि भिंडी तो थोड़ा सा हो ही जाता है प्याज के वजह से ना, और भी टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। और जिस टाइम पर हम प्याज फ्राई करते हैं ना, उस टाइम पर हम थोड़ा सा नमक दे देते हैं, क्योंकि नमक देने से ना
ऐसे नॉर्म बिना नमक वाला प्याज फ्राई करने में जितना टाइम लगता है ज़्यादा टाइम, और थोड़ा सा नमक देने के बाद उससे आधा टाइम लगता है। तो टाइम का बचत के लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से, हम ज़्यादा लाल करके नहीं डालते, हल्का ब्राउन कलर होता है तब डालते हैं। तो क्या होता है, मेरा प्याज जलता भी नहीं है और भाजी भी अच्छे तरीके से बन जाता है। और देखो भाजी हो गया है बनके तैयार। और किट्टू के लिए आज हम बनाए हैं गोल गोल काट के आलू का फ्राई, क्योंकि ये झाल खाएगा नहीं। तो अब चलते हैं किट्टू को खिलाने, 8:30 बज गया। इधर आओ इसका इसका हम खिला रहे थे 8:30 बजे से, और अभी इसका खाना कंप्लीट हुआ है, 10 बजने वाला है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोल क्या रहा है आपको? हम 2 मिनट पहले पूछे थे खाना लाना है, लाके दे। नहीं, 2 मिनट। चलो एक चीज, बाबू आ जाओ, एक चीज दिखाएंगे, आ जाओ बेटा। सामने दिखाते कितने छोटे छोटे थे ना, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए, इतना तेजी से बढ़ गया है। कल सुबह इसका बनाएंगे सब्जी, गाज सब भी लग गया। आधा उड़ रहा है, चलो 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 अंदर चलो चलो। ये क्या, हाथ नहीं दोगे। चलो अंदर चलो, रात में गाज में हाथ नहीं देते। इधर नो, चलो। क्या है, घर के सारे सो गए हैं, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा सुनसान लग रहा है। आसपास किसी के घर पे लाइट नहीं जल रहा है, सारे के घर का लाइट्स ऑफ। और इस बीच पहले पहले मुझे बहुत डर लगता था, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। होता है ना, एक इंसान जहाँ पे रहते हैं, रहते रहते उसको मतलब अपनापन हो जाता है, जैसे कि हम बहुत दिनों से रह रहे थे यहाँ पे, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बेफिक्र एकदम। तो अभी हम किचन वगैरह में लॉक करेंगे। और बाहर कपड़े देखो सारे गीले थे, तो लग भी रहा है बारिश आने वाला है, क्योंकि बिजली बहुत जोर का कड़क रहा है। तो सारा कपड़ा हम अंदर रख देंगे, फैन में सूखेगा, अगर कल फिर नया सूखा तो धूप में देंगे। और चलेंगे बाथरूम वगैरह का लाइट बंद करेंगे, घर के सारे का लाइट बंद करेंगे, लॉक तो हमने कर दिया है। उसके बाद चलेंगे घर के अंदर सोने के लिए, बहुत जोरों का नींद आ रहा है। वही सुबह उठे हैं 4 बजे, समझ ही सकते हैं क्या हाल हो रहा है। सारा जूता भी उठा दे रहे हैं, क्योंकि बारिश आएगा तो भागे ना। किट्टू नीनू नहीं आ रहा है, गुड मॉर्निंग है, अभी हम जाने दो मुझे अंदर। घर के सारे लोग सो गए हैं, किट्टू और हम। ये डेली है कि किट्टू जल्दी नहीं सोता है, किट्टू सोते सोते 12:30 हो ही जाता है, और अभी भी वो फोन देख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम खाने गए थे, और खाने गए थे ना, एक चीज़ हुआ, हम एक साउथ मूवी लगाए हैं, वो हॉरर मूवी था, मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा ठीक ठाक चला। उसके बाद जैसे एक झटके में से भूत आके गाड़ी के कांच में ऐसे धक्का मारता ना, उसके बाद मेरा मतलब धड़कन, मतलब ये जो क्या अकेले थे बाहर, सब सो गए हैं, इतना डर लग रहा था ना, बट से हम फोन बंद किए, जैसे जैसे खा के दौड़े पर इधर, देखो क्या कर रहा था। और पता है, मतलब सुबह 4 बजे से उठ के जिम के लिए हम इतना कुछ करते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और उन हम मतलब होता है ना कि हाँ, रात में एक साथ बैठ के खाना खाएं, उनको हम पूछे भी थे, बोले कि नहीं। और मेरे साथ तो ये नाइंसाफी करते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं, ये वाला चीज समझते ही नहीं है कि हम खाते नहीं, उनके लिए वेट करते हैं, एक साथ खाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ बातें भी कर लेंगे, और उनको तो नहीं सब सभी। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर लेते हैं। हम अब चलेंगे सोने, सोना तो नहीं है, उसको सुला के सोएंगे, बहुत लेट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इतने ज़ोर से सुन रहा है ना, 100% पक्का कि यहाँ पे नॉइस आया है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।